सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की कोर फ्रेश। नहीं यार, आज दोस्तों है संडे, बात कर रहा हूँ संडे मसाला में आपके सवालों के जवाब देने की। तो यहाँ पर दोस्तों देने वाला हूँ सवालों के जवाब जो भैया आपने पूछे ट्विटर के ऊपर लगाया था हैशटैग बोलो गुरु जी। सवाल दोस्तों बड़े ही शानदार है, मिलेंगे बड़े ही कमाल से जवाब, तो ऐसे में जल्दी से आगे बढ़ते इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ मेरा मतलब हर बार की तरह इस बार भी सवाल मतलब बहुत 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 ज्यादा है, और सॉरी कि जो वीडियो है वो थोड़ा सा आज देरी से आ रहा है, लेकिन ऐसे में दोस्तों हम जल्दी से बढ़ जाते हैं आगे। और ऐसे में आगे बढ़े उससे पहले आप जो है वो अभी का अभी दबा ही दीजिए इस वीडियो को लाइक करने के लिए अपना बटन, दोस्तों साथ में उसको शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे भी कमेंट करते रहिए, बिकॉज काफी मजा आता है वीडियो देखते देखते कमेंट करने और कमेंट पढ़ने में। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं पहले सवाल के बारे में, पूछा है सक्षम खन्ना ने, ये बोलते हैं कि हेलो गुरुजी, हाउ इज यू, माय क्वेश्चन इज वाईफाई कॉलिंग पे एक वीडियो बना सकते हो और अमृतसर मीटअप का कोई प्लान है क्या, लव यू गुरुजी। लव यू टू मेरे भाई सक्षम। जहाँ तक बात है अमृतसर मीटअप की, तो ज़रूर प्लानिंग भी है और करेंगे भी और जल्द ही करेंगे। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ वाईफाई कॉलिंग की एक वीडियो को लेके, तो वो भी कोशिश करता हूँ कि आप जल्दी ही जो है वो उसको देखें, बिकॉज क्योंकि मैं फिलहाल जैसे फॉर एग्जाम्पल दुबई में हूँ, अब यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग नहीं है, तो मेरे को अगर एक वीडियो बनाना है, अगर एक डेमो देना है, तो उसके लिए इंडिया में होना मेरा बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जब भी इंडिया आता हूँ, अगर कभी प्लान बन पाता है, तो कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचा पाऊँ एक वीडियो वाईफाई कॉलिंग के ऊपर। बात करते हैं अगले सवाल की, पूछा है अभिषेक रजाक ने, ये बोलते हैं कि भैया आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, इसका पूरा पार्ट कब आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 3 मिलियन ऑन योर सेकेंड चैनल। थैंक यू अभिषेक, आप ही जो व्यूअर्स हैं, आप सभी के ही प्यार की ताकत है कि हमने 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं गौरव चौधरी चैनल पे भी। तो ऐसे में सारा का सारा आप ही का प्यार। और अगर मैं बात करता हूँ आज के व्लॉग की, तो थैंक यू कि आपको पसंद आया, जो मेन बड़ा वाला हिस्सा है आई थिंक 10-12-15 मिनट का है, तो वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा टेक्निकल गुरुजी चैनल पे, मेरे ख्याल से शायद 6-7-8 फरवरी के आसपास, देखते हैं उसी टाइम के अराउंड मेरे ख्याल से। यहाँ पे जो अगला सवाल है, पूछा है टेक्निकल बात में, ये बोलते हैं गौरव भैया प्लीज टेल, आपका अगर आज के टाइम में नया चैनल होता तो आप कैसे ग्रो करते, प्लीज शेयर योर व्यूज, आई लव यू सो मच, लव यू टू यार। देखो आज के टाइम पे, लेट से कि आज अगर मैं एक नया चैनल स्टार्ट करता हूँ, या अगर हो सकता है कि मैं अभी करंट सिनेरियो में अपना एक नया चैनल शुरू करता, तो अप्रोच यार वही रहती कि कुछ डिफरेंट, कुछ हटके, कुछ अपना ओरिजिनल, अपनी खुद की स्टाइल में लोगों तक पहुँचाऊँ। तो मतलब पहले भी यही किया, आज भी, मतलब अप्रोच हमेशा होनी चाहिए आपकी ओरिजिनलिटी को लेके, अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि कुछ डिफरेंट कंटेंट आप दे पाओ। अगर आपके पास में ये 2-3 चीज़ें हैं, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपने चैनल कब शुरू किया और आप कब प्लान कर रहे हो करने का। द मोमेंट यू डू इट, डेफिनेटली आपको मतलब सक्सेस तो मिलेगी ही, बस आपको अपने आप को ओरिजिनल बनाए रखना है और कुछ ऐसा देना है इंटरनेट को जो आज से पहले शायद कोई और नहीं दे रहा हो। यहाँ पे अगला सवाल पूछा है साहिल चौहान ने, ये बोलते हैं कि गुरु जी आप गेमिंग कब शुरू कर रहे हो और आपको क्या लगता है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का क्या फ्यूचर हो सकता है, प्लीज रिप्लाई है, लव यू गुरु जी। देखो भाई रिप्लाई तो कर रहा हूँ, लव यू टू साहिल। जहां तक बात करते हैं मेरे गेमिंग शुरू करने के सीन को लेके, तो फिलहाल तो खैर जो मेरा गेमिंग पीसी है वो एकदम पैक्ड है, बबल रैप्ड है, मतलब उसको अभी तक मैंने खोला भी नहीं है, मौका नहीं मिल पा रहा यार क्या करूँ। तो जैसे ही अगर कुछ बनता है सीन, तो आप उस तरफ भी कुछ देखेंगे डेवलपमेंट्स होते हुए। लेकिन अगर आपसे बात करता हूँ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की, तो मतलब ब्रिलियंट भविष्य है, और दोस्तों टैलेंट जो भरपूर है हमारे देश में, या जितने भी अगर आप देखते हैं ऑनलाइन भी बहुत सारे जो स्ट्रीमर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ई स्पोर्ट्स में भी जो हमारे, बिकॉज इंडियंस यार चैंपियंस हैं, मतलब हम जो हैं वो अगर किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाए, तो आप जानते हो कि भैया वहाँ पे जीत के ही दम लेते हैं। तो ऐसे में जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी है मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और आगे ग्रो करने के बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट चांसेस हैं। यहाँ पे अगला सवाल पूछा है भावेश पवार ने, ये बोलते हैं कि फर्स्टली हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भावेश आपने गलत लिख दिया, आज हमारा रिपब्लिक डे है, तो लेकिन गणतंत्र दिवस की खैर मेरी तरफ से भी आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लिखते हैं कि और एक बात मेरे समझ में नहीं आती, मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर उनके मेन यूट्यूब आईडी से कोई यूट्यूब वीडियो क्यों नहीं देखते। भावेश इसके ना एक दो रीजन है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना मेरा जो रीजन है वो बता देता हूँ, बाकी शायद रीजन कुछ लोगों के सेम हो सकते हैं, कुछ लोगों के शायद नहीं होंगे।
कि मैं YouTube क्रिएटर बनने से पहले एक YouTube पे व्यूअर था, मतलब मैं YouTube देख रहा हूँ बहुत बहुत टाइम से। तो मतलब मेरा जो उस टाइम पे जीमेल का आईडी था जिसके थ्रू मेरा YouTube का मैंने एक अकाउंट बनाया, अब वो ओवर टाइम वहाँ पे 250 300 400 चैनल्स को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो सब्सक्रिप्शंस की एक लिस्ट बनी हुई है। मैं उसी आईडी से जो है वो वीडियोस देखता हूँ, तो वॉच हिस्ट्री जो है वो भी वहीं पर डेवलप हो रही है। अभी ऐसे में जब टेक्निकल गुरुजी चैनल बना तो वो सेंस नहीं बनता है कि मैं टेक्निकल गुरुजी वाले आईडी से भी सभी को फिर सब्सक्राइब करूं, फिर एक एक को याद करना पड़े, फिर देखूं, फिर जो भी हो। तो मेरा क्योंकि ऑलरेडी एक अकाउंट था और मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे देख रहा था एज अ व्यूअर, तो मैंने उसी अकाउंट को कंटिन्यू किया। सेम काम शायद मेरे ख्याल से जो अभी करंट यूट्यूबर्स हैं, अगर वो नहीं देखते हैं अपने मेन अकाउंट से, उसका रीजन ये हो सकता है कि शायद उनके पास में अपने पर्सनल कोई अकाउंट हो जिसपे वो यूट्यूब ऑलरेडी देख रहे हो, ऑलरेडी उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो, तो फिर वो अपने चैनल पर दोबारा सबको सब्सक्राइब करे कि को ढूंढ ढूंढ के, तो मतलब इतना टाइम कोई क्यों लगाएगा। टेंशन की बात नहीं है, एक अकाउंट है वो वीडियो अपलोड करने के लिए, दूसरा अकाउंट है वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे अगला सवाल पूछा है लोकनाथ बसक ने, ये बोलते हैं कि गुरुजी अगर आपका स्मार्टफोन ब्रांड होता तो आप क्या नाम रखते। यार स्मार्टफोन ब्रांड होता तो नाम क्या रखता, अगर अभी बता दूंगा तो कभी कल को जब ब्रांड आएगा तो फिर कैसे नाम रखेंगे भैया, लीक हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो अभी हालांकि मेरे दिमाग में कुछ आ भी नहीं रहा है, मतलब मजाक अपनी जगह पे है, लेकिन कभी अगर भगवान ने चाहा, कभी अगर कोई फ्यूचर में अपना ब्रांड हुआ तो जो उसका नाम होगा मैं वही ब्रांड का नाम रखता अगर मेरा अपना स्मार्टफोन ब्रांड कोई आज करंटली होता। यहाँ पे अगला सवाल पूछा है उनीश अर्चवानी ने, बोलते हैं कि आज विराट कोहली वाला वीडियो देख के अच्छा लगा गुरुजी, हैप्पी रिपब्लिक डे, और आप कैसे हो, घर में सब कैसे हैं, एक्सक्लूसिव कंटेंट की लाइन लगा रखी है आपने, उसके लिए दिल से थैंक यू, लव यू भैया, लव यू टू उनीश। आप जो हो एक एक्टिव व्यूअर की तरह हमेशा सामने दिखते रहते हो, आप कमेंट वगैरह करते थे तो मतलब काफी अच्छा लगता है कि आप जो है वीडियोज को एंजॉय कर रहे हो। थैंक यू कि आपको आज वाला जो व्लॉग है वो अच्छा लगा, और ये फिलहाल सिर्फ एक 3 मिनट का टुकड़ा था, अभी जो 10-12 मिनट का प्रॉपर एक वीडियो है वो भी आप खैर बहुत जल्दी देखोगे। और घर में सब बढ़िया है, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। जहाँ तक बात है एक्सक्लूसिव कंटेंट की, तो यार कोशिश यही रहती है कि आपके लिए जितना एकदम कुछ यूनिक और एकदम कुछ ऐसा डिफरेंट सा हो वही अगर लेके आ पाऊँ तो डेफिनेटली शायद आपको और ज़्यादा पसंद आए। तो जिम्मेदारी सी हो गई है अब तो, और आपको कोशिश करूंगा आगे भी ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देने की। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे भैया बंटी ने, बोलते हैं कि गौरव ब्रो आपने कुछ वीक पहले आईफोन 11 प्रो और एयरपॉड्स प्रो का गोल्ड वर्जन का स्टेटस अपलोड किया था, तो आईफोन 11 प्रो और एयरपॉड्स प्रो की अनबॉक्सिंग वीडियो कब आएगी, क्या आप अहमदाबाद का चक्कर लगाने वाले हो, लव फ्रॉम अहमदाबाद। लव यू मेरे भाई, चक्कर अहमदाबाद का कभी ना कभी तो खैर लगे जाएगा अभी निकट भविष्य में। बाय द वे वो 11 प्रो मैक्स था, और वो जो मैंने स्टेटस या जो एक ट्वीट मैंने किया था तो मौका नहीं मिल पा रहा है, अगेन यार बीच में इतना सफर हो जा रहा है, कभी सीईएस का कभी किसी का, मतलब ऐसा जिग जैग जिंदगी निकल रही है, नहीं क्या बताऊं। कोशिश करूंगा कि जल्दी ही जो है वो आप तक पहुंचा पाऊं, वही स्पेशल टेक्निकल गुरुजी एडिशन आईफोन 11 प्रो मैक्स और साथ में एयरपॉड्स की अनबॉक्सिंग का वीडियो। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे दिबरंदन ने, और ये बोलते हैं कि गुरुजी हैप्पी रिपब्लिक डे, सीईएस का सफर कैसा गया। सेम टू यू मेरे भाई, और सीईएस का जो सफर था वो अच्छा गया आपके लिए, बहुत सारी मैंने वहाँ से वीडियोस बनाई और आपने वो सभी देख लिए हैं। आई थिंक एक वीडियो बाकी है अभी एडिट करना, शायद लेट मी सी, शायद अगर है तो आप देखेंगे, वरना कोशिश यही थी कि आपके लिए जो है वो वीडियोस जितना हो सके उतना बनाऊं। इनफैक्ट आपने दो दो व्लॉग भी देखे जहाँ पे हमने असली गन्स से शूटिंग करी, साथ में एक असली कार को असली टैंक चलाते हुए क्रश कर दिया, तो वो भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। हाँ हेक्टिक बहुत ज़्यादा था, बिकॉज मैं पहले दिल्ली में था, मैं दिल्ली से दुबई आया, दुबई से लॉस एंजलिस गया, लॉस एंजलिस से लास वेगस गया, मैंने वहाँ पे दिन बिताए, अपना सीएस कंप्लीट किया, फिर वेगस से मैं गया सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को से मैं आया दुबई, दुबई से मैं गया बॉम्बे, फिर बॉम्बे में अपना काम खत्म किया, फिर दिल्ली गया, फिर दिल्ली से घर आया, तो प्रॉपर जिगजैग सा पूरा वो सिस्टम था। तो सफर तो वैसे खैर अच्छा ही गया था, सोते हुए बताया मैंने, लेकिन थोड़ा हेक्टिक हो गया था, लेकिन अगेन कंटेंट के लिए आपके लिए वीडियोस तो खैर आप जानते हैं कि मैं ऐसे ही लेके आता रहता हूं। अगला सवाल पूछा है यहां पे अजय साहू ने, बोलते हैं गुरुजी इंस्टाग्राम पे कब लाइव आओगे एंड आपको इंस्टा पर हमारी कोई अपडेट पता चली क्या। अजय भाई लाइव यार एक्चुअली ना अभी मेरे को नींद आ रही है, वरना मैं अभी ये वीडियो शूट करके इसके बाद में लाइव आ रहा था, लेकिन आज थकान बहुत हो गई है, दिन भर आज काफ़ी एक इंटरेस्टिंग काम किया, आपके लिए एक और एक्सक्लूसिव कंटेंट ही बनाया है, तो थोड़ा थक गया हूँ, वरना मैं लाइव अभी आ रहा था। कोशिश करूंगा अगली बार जब कोई मौका मिलता तो लाइव आने का। और ऐसे में इंस्टाग्राम पे आपकी कोई अपडेट, हाँ भाई मालूम तो चला है कि टेक्निकल गुरुजी एक्टिव सब्सक्राइबर्स करके आपने कुछ एक ग्रुप बनाया है, और ऐसे में बहुत सारे एक्टिव सब्सक्राइबर्स उस ग्रुप का हिस्सा भी हैं, और आप सभी के शायद मेरे को नाम भी याद ही हैं, तो आप बस ऐसे ही यार साथ बने रहो और पॉजिटिविटी को शेयर करते रहो,
उम्मीद करते हैं लाइफ में सभी के सभी जो है वो आगे बहुत अच्छी अच्छी जगह पे पहुंच जाएं। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे स्टाइलिश मयंक ने, ये बोलते हैं भैया कि गुरुजी आपने मिमिक्स अल्फा हाथ में क्या ले लिया, सबकी जल गई, कुछ टेक यूट्यूबर्स आपसे बहुत जलते हैं, आपके बारे में इनडायरेक्टली अपनी वीडियोस में कहते हैं, उनके लिए दो शब्द कहो, लव फ्रॉम नवलगढ़ राजस्थान, जय हिंद। मयंक भाई देखो, मैं कोई नहीं होता हूँ कि मैं किसी के बारे में कुछ कहूँ या हम ऐसा सोचें कि कोई क्या करता है या नहीं करता है। देखो सब जो है वो काफ़ी अच्छे इंडिविजुअल्स हैं और सभी अपना अपना काम जो है वो काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। अगर मैं किसी के बारे में कुछ कह सकता हूँ तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि भगवान भला करे और भगवान जो है वो सभी को आगे तरक्की दे, भगवान भला करे। अब मैंने मिमिक सेल्फा हाथ में लिया कि नहीं लिया उससे क्या फर्क पड़ता है यार। हाँ, आप हैंडसोन था तो हाथ में तो लेना ही था, बिना हाथ में ले तो हैंडसोन खैर बनता कैसे है, तो इसीलिए आपको वीडियो में वो तो खैर देखने को मिलेगा ही, अदरवाइज तो मैं वो वीडियो ही नहीं बनाता। लेकिन ऐसे में अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने चैनल के ऊपर एकदम यूनिक होती हैं जो शायद आप कहीं और नहीं देख पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचें कि किसी ने क्या सोचा या क्या हुआ। इतना फुर्सत किसके पास में है यार, बस भगवान सबका भला करें, सभी लाइफ में आगे बढ़ें और इतना ही कह सकता हूँ, इतनी दुआ कर सकते हैं सभी के बारे में, फिर चाहे वो आप व्यूअर्स हों चाहे बाकी लोग हों, और क्या होता है यार, और हमारे बस में है कि हम तो इंसान हैं। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे कंगन साइकिया ने, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत बोल पा रहा हूँ, तो बोलते हैं कि गौरव जी आपके पास कितने सारे क्वालिटीज़ हैं, आप तो इंजीनियर, बिजनेसमैन, यूट्यूबर, साइंस एक्सपर्ट एंड इन्फ्लुएंसर, प्लीज़ आप कुछ अपना इंस्पिरेशन दें यूथ को आगे बढ़ने के लिए। यार मैं तो ना खुद बहुत लोगों से इंस्पायर होता हूँ, मैं किसी को क्या इंस्पायर करूँगा, लेकिन अगर कुछ बोल पाऊँ तो इतना ही है यार कि कभी ना कंप्लेन मत करोगे इस चीज़ को लेके कि ऐसा हो गया इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, या ऐसा होता तो मैं ये कर लेता, और ये मतलब कंप्लेन मत करो, कभी बहाने मत बनाओ किसी भी चीज़ को लेके, हो सकता है वो जेन्युइन हो सकता है वो ना हो, बट हमेशा मेहनत करो और यही सोचो कि हम अपने दम पे जो चाहे वो कर सकते हैं, हम अपने दम पे किस्मत बदल सकते हैं, हम अपने दम पे नई किस्मत लिख सकते हैं। मतलब वो ना किसी के ऐसे मत पढ़ो कि मतलब भैया मैं लाइफ में यार पढ़ लेता लेकिन मेरे को पढ़ने का मौका नहीं मिला, या ऐसा हो गया था मेरा टांग टूट गई थी इसलिए मैं एग्जाम में फेल हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर अगली बार जो है वो टॉप करके दिखाओ। मतलब मैंने लाइफ में हमेशा सोचा है कि कैसे हम अपने आप को सबसे बेहतर जो है उस लेवल पे परफॉर्म करते हुए जो है वो आगे बढ़े लाइफ में, तो बस यही एक इंस्पिरेशन मैं दे सकता हूँ। उसके अलावा तो यार मैं खुद मतलब लाइफ में अभी बहुत बहुत लोगों से इंस्पायर होता हूँ और हम सभी को खैर होना भी चाहिए, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं सभी के लिए एक मैसेज कि कभी बहानेबाजी में बताओ, अपने दम पे आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाओ, और अगर आप दिखाओगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ भी जाओगे। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे एनी बंसल ने, बोलते हैं कि आपको 2019 का बेस्ट फोन कौन सा लगा। यार मुझे बेस्ट फोन लगा 2019 का गैलेक्सी फोल्ड, मैंने उसको अप्रैल में यूज किया था, उसके बाद में दोबारा यूज कर रहा हूँ सितंबर के आसपास से मेरे ख्याल से लगातार, तो बहुत मजा आ रहा है और मेरे लिए बेस्ट फोन होगा 2019 का। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे सुखवंत ने, सुखवंत बोलते हैं कि आईफोन XR लेना सही रहेगा आज के टाइम में या फिर आईफोन 11। यार सुखवंत देखो, बजट पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है और आपको आईफोन XR या आईफोन 11 जो है वो कितने कितने कीमत के मिल रहे हैं। अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस में, अगर आपको मैं बोलूँ कि अगर 5-6 हज़ार 7 हज़ार का डिफरेंस मिल रहा है तो बेटर आईफोन 11 ले लो। अगर लगता है कि नहीं भाई 10-12-15 हज़ार का डिफरेंस है और वो एक बड़ी अमाउंट है आपके लिए, तो बेटर कि आईफोन XR लो। लेकिन दोनों में से कोई भी लोगे तो आपको संतुष्टि ही मिलेगी, मतलब कोई ऐसे कमी या कंप्लेंट जो है वो मेरे ख्याल से आप नहीं कर पाओगे। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे प्रदीप कुमार महतो ने, बोलते हैं कि तानाजी द अनसंग वॉरियर देखी कि नहीं। देखी मेरे भाई, बिल्कुल देखी, और दो दो बार देखी मैंने, एक बार दिल्ली में भी देखी थी, मैंने एक बार दुबई में भी देखी, तो मतलब काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और मूवी जो है वो अपने आप में बताती है कि हमारे इंडिया का जो इतिहास है वो कितना रिच है, और ऐसे कितने ही योद्धा जो हैं वो उस इतिहास का हिस्सा हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है, तो काफ़ी अच्छा लगा मूवी देख के और एक्सपीरियंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे राहुल ने, ये बोलते हैं कि आगे बॉलीवुड में कदम रख रहे हो क्या गुरुजी, लव फ्रॉम कोलकाता। नहीं मेरे भाई, ऐसा कोई भी जो है वो इरादा विचार फिलहाल नहीं है और मेरे ख्याल से फ्यूचर में भी नहीं होगा, बिकॉज बॉलीवुड में चाहिए होती है एक्टिंग, एक्टिंग मेरे को आती नहीं है तो फिर तो कोई स्कोप बनता ही नहीं है। अगला बोला है सवाल यहाँ पे आशु ने, आशु बोलते हैं कि शादी की उम्र आपके हिसाब से क्या सही है। यार ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मेरे ख्याल से उम्र का, आप जिस दिन इस काबिल बनो कि आप जिससे भी शादी करने वाले हो उसका पूरा ख्याल रख सको, उसकी सभी जिम्मेदारियां जो हैं वो उठा सको, तो सोचो शादी करने का।
अगर वो नहीं कर सकते हो तो फिर तो सोचना भी पाप है। मतलब आप जिससे भी शादी कर रहे हो, तो अगर आप उसके लिए मतलब कुछ ठीक से ना कर पाओ, अगर आप जिम्मेदारियां ना उठा पाओ, या अगर आप किसी इंसान को खुश ना रखने की अगर आप में मतलब हिम्मत हो, तो फिर तो शादी के बारे में सोचना भी गलत होगा। लेकिन उम्र की जहाँ तक बात है, कोई क्या फिक्स उम्र है यार, लोग 25 में भी करते हैं, लोग 35 में भी करते हैं, लोग 55 में भी करते हैं, लोग 75 में भी करते हैं, और लोग नहीं भी करते हैं। तो ऐसी कुछ उम्र मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन हाँ आपको जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है, ये तो एक मैंडेटरी चीज होगी। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे शुभम ने, बोलते हैं कि इज ई वेस्ट अ कॉन्सर्न? डेफिनेटली शुभम, ई वेस्ट जो है वो बहुत बहुत बड़ा कॉन्सर्न है, और जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं उसी स्पीड से ही जो है वो ई वेस्ट की प्रॉब्लम भी हम फेस कर रहे हैं। हाँ रिसाइकलिंग वगैरह की चीजें जो है वो भी और अभी एडवांस हुई हैं और बेहतर हुई हैं, लेकिन स्टिल ई वेस्ट एक बहुत बड़ा कंसर्न है और हम सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे डॉक्टर ध्रुव ने, और ये ध्रुव बोलते हैं कि ब्रो डू यू यूज एप्पल टीवी प्लस, एंड इफ यस व्हाट आर योर फेवरेट शोज और सीरीज? नहीं यार ध्रुव, कभी मौका नहीं मिला कि मैं एप्पल टीवी प्लस यूज करूं। आई थिंक सब्सक्रिप्शन तो मेरा बाय डिफॉल्ट हो गया था कि नहीं हो गया था, एक बार मैंने गलती से क्लिक कर दिया था, तो शायद कुछ फ्री था एक साल के लिए, नया वाला आईफोन था मेरे पास में, तो शायद एक साल के लिए फ्री हो गया कुछ, लेकिन पता नहीं है कि नहीं, मैंने मैंने कभी देखा ही नहीं। मतलब शायद मैंने एक बार ओपन किया होगा मुश्किल से, जब नया नया आया था नवंबर में, जब भी आया था सितंबर में अक्टूबर में, तो बस एक बार ओपन कर लिया होगा, लेकिन कभी कुछ कंटेंट देखा ही नहीं मैंने वहां पे। अगला सवाल पूछा है मोहम्मद अदनान ने, बोलते हैं कि आप सुबह कितने बजे उठते हो और रात को कितने बजे सोते हो? अदनान भाई मैं रात को सोता हूँ, डिपेंडिंग कि कैसा रूटीन है। जैसे आज नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, बिकॉज आज दिन बहुत ज़्यादा जो है वो हेक्टिक गया सुबह से लेके, और मतलब कल रात को ज़्यादा सो नहीं पाया था, तो आज जल्दी सो जाऊँगा। वरना मैं सोता हूँ कभी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, डिपेंड करता है कि कैसा क्या रूटीन है। और सुबह उठने का जो टाइम है वो कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे। 11 से लेट तो खैर मैं नहीं उठता हूँ, 11 साढ़े 11 तो उठ ही जाता हूँ लेट से लेट। अगर कभी बहुत लेट सोऊंगा रात में और अगले दिन अगर कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, तो सी ऑल डिपेंड। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं रात को 5 बजे सो के भी सुबह 8 बजे उठ जाता हूँ, 3 घंटे सोता हूँ सिर्फ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है उस दिन। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं रात को सोता हूँ 1 बजे, लेकिन अगले दिन जो है वो 10 बजे सोता रहता हूँ, तो मतलब डिपेंड करता है, लेकिन रात को लेट सोता हूँ नॉर्मली और दिन में थोड़ा सा लेट उठता हूँ। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे आविष्कार ने, आविष्कार क्या बहुत ही बढ़िया शानदार नाम है, ये बोलते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी A51 इंडिया में कब लॉन्च होगा और आपका डेली यूज का फोन कौन सा है? यार मैं यूज करता हूँ आईफोन 11 प्रो मैक्स और सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड। A51 जो है वो एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता नहीं सकता, बिकॉज मेरे को मालूम नहीं कि अभी तक सैमसंग ने ऑफिशियली शेयर किया है कि नहीं किया उस डेट को, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो आपको इसी हफ्ते मिलेगी, मतलब जो कमिंग वीक है अभी कल से मंडे से, तो इसी हफ्ते में आपको मिल जाएगी उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो। अब आप तुक्के लगा लो डेट का कि कब हो सकता है फोन लॉन्च, हो सकता है अनबॉक्सिंग के बाद में, फिर अवेलेबिलिटी कुछ 1-2 हफ्ते के बाद, मतलब आई एम नॉट श्योर, लेकिन आपको अनबॉक्सिंग वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाली है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अल्पेश पाटिल ने लास्ट, बोलते हैं कि भाई ड्रोन लेने के लिए क्या उसे चलाना आना चाहिए या कोई भी आसानी से हैंडल कर सकता है? अल्पेश में देखो, जैसे रिमोट वाली कार होती है ना, वैसे ही वो ड्रोन होता है। मतलब आपको थोड़ा सा अगर आप मतलब अलर्ट हो इन सब चीज़ों को लेके कि आप रिमोट वाली कार्स या वीडियो गेम या ये सब अगर आप आसानी से चला सकते हो, तो ड्रोन उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको जो है वो तसल्ली से समझ के ठीक तरीके से आपको शुरू करना पड़ेगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में आप आराम से सीख जाओगे। और अभी ऐसे में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ना वो ज़्यादा वो मतलब ऐसे एंगजाइटी वाला सीन नहीं रखना है अपने अंदर, बिकॉज अक्सर क्या होता है, जैसे मैंने मतलब एक चीज़ एक्सपीरियंस थी जब मैं कॉलेज में था और जब हम खुद से ड्रोन बना रहे थे, हमारा मतलब थ्री इडियट्स मैंने मूवी देखी थी, आई थिंक 2009 में आई थी, और ये 2010 और 11 के आसपास की बात है जब हम खुद हमारा कॉलेज में अपना एक ड्रोन बना रहे थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ना मतलब जैसे उसको जब स्टार्टिंग में हम टेस्ट कर रहे थे, अब तो किसी को भी नहीं आता, तो वैसे ट्राई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ऊपर जाता है तो अचानक ना घबरा जाते हैं कि मतलब अरे कहीं गिर जाएगा, टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो उस चक्कर में अलग अलग कहीं दबा दिया जॉयस्टिक, तो उस चक्कर में वो उल्टा और क्रैश हो जाता था। तो वो धीरे धीरे हमने समझा कि नहीं भाई पैनिक नहीं करना है, उड़ा है तो उड़ रहा है, आराम से उड़ रहा है, धीरे 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 उड़ाएंगे तो जाके उड़ा उड़न से। तो अगर आप एक नया ड्रोन लेते हो तो पैनिक मत करो, बिल्कुल भी मत सोचो कि अरे मतलब क्या होगा आपका, होगा आपको, मतलब उड़ रहा है धीरे धीरे करके, स्लो एंड स्टडी प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली सीख जाओगे ड्रोन उड़ाना दोस्तों। बस ये थे कुछ सवाल, उम्मीद है आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा, जहां पे दिए हैं मैंने सभी के बहुत ही बेहतरीन से जवाब। तो दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई तरह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक बटन शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।